मेरा नाम रजिदा खातून, सरेकाले खां में रह रहे हैं, जाएंगे बिहार खगड़िया जिला। अब खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मकान मालिक भी नहीं मान रहा है, किराया को माफ़ कर दे, दो तीन महीने रह जाएंगे भूखे प्यासे, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे रह जाएंगे, कुछ नहीं है। दो चार दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, तब रास्ता धर लिए हैं, क्या करेंगे, मजबूरी हो गया बहुत काफ़ी। जब रूम में पानी देने वाले नहीं, कहाँ से लाएंगे खाना, नहीं निकलने दे रहा, नहीं कुछ दे रहे, क्या करेंगे। गोरखपुर जाने वाले थे, कोई साधन ही नहीं मिल रहा, कैसे जाएं, बॉर्डर पर क्या नाम है रोक लगा दिए हैं, घर पे अकेले कमाने वाले हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, यहाँ बैठ के हम लोग खाएंगे, तो ठेकेदारी काम करते तो ठेकेदार भी पैसे वैसे नहीं दे रहा, तो क्या खाएंगे, रोज की मजदूरी हम लोग की, क्या करेंगे यहाँ बैठ के, इससे भूखे मरने से पहले हम अपने गांव चले जाएंगे, पैदल ही भूखे मर जाएंगे। पैदल आए सर, कोई गाड़ी नहीं, कोई बैठा ली नहीं रहा है। क्या काम करते हैं, कितने लोग सब साथ में आए? मैं दो आदमी वहाँ से आया हूँ। काम क्या करते हैं आप? हनी मनी करता था, वहाँ हनी मनी बंद हो गई हमारा दुकान। मालिक किराया मांग रहा था, वो कह रहा भाई किराया नहीं दो कैसे रहोगे, घर जाइए, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, वहाँ छोड़ के किराया रहा, जो सामान दट्टा था उसको दे दिया, किराया खत्म करके जा रहा हूँ, सीधा घर जहाँ पहुँच पाऊँ जाऊँगा। पैदल परिवार कहाँ है? परिवार घर है सारा, कहाँ फरुखाबाद एटा। अब कहीं बैठे रहेंगे रात भर, क्या करेंगे, जाएंगे जहाँ पहुँच पाएंगे, रस्से बताया भी नहीं है, जल्दी कर दिया, यही हुआ। हमारा नाम वैष्णो प्रताप है, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, नजफगढ़ में, और जो है मैं दिहाड़ी का काम करता हूँ मजदूर का, और बंद होने की वजह से हमको बहुत परेशानी हुआ है सर, हम ही को नहीं पूरे मजदूरों को, और जो है अब बताओ सब ऐसे पैदल ही जाते हैं, और दो चार बस चला भी दिए हैं तो उसमें कितना भीड़ है, पब्लिक कितनी है, हाँ इससे कितना परेशानियाँ होती है, अगर जो पैदल भी जाना चाहते हैं उनको पुलिस वाले वहाँ रोक रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मिंटू, हम जो है काले खां से बिहार के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे परेशानी है, जो कुछ उपाय नहीं है, अभी एक हफ्ते हो गया हम लोग को कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, पैसे भी जेब भी नहीं है, जो भी ठेकेदार थे सब भाग गए, हम लोग अंदर में बराबर कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी थी, हम लोग सोचे पैदल भी हो सकता है चलेंगे, अगर गाड़ी मिले गाड़ी से चलेंगे, जो भी होगा चलेंगे, बाहर निकल के ही सहायता होगा। लेबर कैंप में रहते हैं सर, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है सर, पता होता तो फिर ऐसा हो नहीं सकता था सर, फिर हम लोग निकल सकते थे ना, ये हम लोग को पता नहीं चला, सरकार दो दिन का भी मोहलत देता हम लोग को तो चले जाते। जी हम लोग आ रहे हैं गुड़गांव से, अलीगढ़ जाएंगे, हम तो बेल्डिंग का काम करते हैं, समस्याएं तो बहुत पैदा हो गई हैं कि पैदल लोग भाग रहे हैं यहाँ से, भूखे प्यासे भाग रहे हैं, रिक्शा चलाते साहब रिक्शा बंद हो गया, आप कहाँ जाएंगे, भूखे मर रहे हैं, ऐसे रोड पर मिल जाता खाना तो खा लेते हैं, ये तो सभी सोच रहे हैं कि कोरोना नहीं होना चाहिए, जनता सुखी रहे, लेकिन रोड पर जब सब चीज़ बंद हो गया तो कहाँ से रोड पे न चल पाएंगे न क्या करेंगे, रिक्शा चला रहे हैं तो कहाँ से खाएंगे, इसलिए भाग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सर 35-40 होंगे, उसके बाद कैंप के अंदर लगभग 3-4 हज़ार से ऊपर होगा, आनंद विहार किसी तरह हम लोग पैदल जाएंगे, तो वहाँ से जो जैसे गुजरा जैसे होगा हम लोग को गाड़ी का साधन बस किसी तरह चले जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे हम लोग। बना जाना जी, संगम विहार बांध से आ रहे हैं, जिला बदायूं से आसमान जा रहे हैं, अपनी यूपी से फ़िलहाल में होली के बाद आए थे हम, यहाँ आने के बाद फ़िलहाल में हमें कुछ दिन 4-6 दिन रुक पाए थे, उसके बाद ये कर्फ्यू लग गया, एक दिन का कर्फ्यू 22 तारीख का लगा था, उसके चक्कर में हमने चलो 22 का लगेगा, आगे तो खुली जाएगा, फिर काम वाम करते रहेंगे, अब 22 तारीख को कर्फ्यू लगने के बाद उसी दिन शाम को ये अलाट कर दिया कि 14 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लगा है, जब 14 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा तो मैं चलो फिर ठीक है, अब कहीं जाना आना आने जाने का समय नहीं है, तो मैंने यहाँ तो फिर रुकना ही है 14 अप्रैल तक, जो भी पैसे टके जो भी थे वो सब सारे खर्च हो गए, ये छोटे छोटे जे दो भांजे हैं, वो भांजी है, वो चाचा हैं। तो अब आप कैसे जाएंगे, परिवार में बच्चे हैं, औरतें हैं आपके साथ, आप लोग अब जो भी साधन होगा सवारी का, जो भी जैसा भी साधन होगा सवारी का तो जाएंगे, और सवारी का साधन नहीं है तो जैसा है तैसा फिर जैसा अपने कमरे में वापस चले जाएंगे, और क्या होगा। मेरा नाम सर अमित है, मैं रहने वाला रामपुर का हूँ, हरियाणा से आ रहा हूँ, मकान मालिक ने किराए के लिए निकाल दिया है, पैसे नहीं मेरे पास खाने वाने के लिए, इस वजह से मैं पैदल जा रहा हूँ घर पर अपने, जाऊँगा कैसे न किसी नहीं जाने देंगे तो ही पड़ा रहूँगा रोड पर, और क्या करूँगा, और कोई तो चारा नहीं है, घर पर जाने के लिए जा रहा हूँ इस टाइम, पैसे नहीं है मेरे पास सर, क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। किसने बताया कि वहाँ बसेज हैं, क्या ऐसा कुछ बताया? बसें न्यूज़ पर आ रहा है, योगी जी ने अनाउंस किया था 2 दिन के लिए बसों का, इस वजह से हम लोग वहाँ से निकले थे अपने रूमों से, एक तो बहुत दूर से आता है कमाने खाने के लिए,
होता है।